क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न है जो एक लटके हुए इंसान की तरह दिखता है। जी हाँ, और प्राइस ट्रेंड के पलटने का संकेत भी देता है। ये है हैंगिंग मैन पैटर्न। चलिए इस पैटर्न के बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। हैंगिंग मैन पैटर्न, जैसा नाम से ही पता चलता है, ये एक हैमर की तरह दिखाई देता है जिसमें एक लंबी लोअर विक होती है, छोटी सी बॉडी होती है, और बॉडी के ऊपर कई बार छोटी सी विक होती है और कई बार नहीं भी होती है। ये पैटर्न एक लटके हुए इंसान की तरह दिखाई देता है। विक का साइज आइडियली बॉडी से दो गुना होता है, यानी कि बॉडी अगर 3 पॉइंट की है तो इसकी जो लोअर विक है वो 6 पॉइंट की होगी, यानी कि बॉडी से दो गुना, बॉडी से डबल। हैंगिंग मैन एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न का मतलब तो आप समझते होंगे, वो पैटर्न जो ट्रेंड के पलटने का संकेत दे सकता है। हैंगिंग मैन एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब ये दिखाता है कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की अब शुरुआत होने वाली है। हैंगिंग मैन पैटर्न हमेशा अप ट्रेंड के बाद देखा जाना चाहिए। हैंगिंग मैन पैटर्न को अवॉइड करना चाहिए अगर ये साइडवेज ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में दिखाई दे। आइडियली हैंगिंग मैन कैंडल का कलर रेड होना चाहिए। इसका मतलब है कि बेचने वाले ज़्यादा है और खरीदने वाले कम है, इसलिए प्राइस अब गिरने वाला है, इस संभावना को ये दिखाता है। अगर हैंगिंग मैन पैटर्न की साइकोलॉजी की बात करें तो अप ट्रेंड के बाद हैंगिंग मैन कैंडल दिखाई देता है। हैंगिंग मैन एक बड़ा सेल ऑफ दर्शाता है, ओपन के बाद जो कीमत को नीचे गिरा देता है, लेकिन फिर भी बायर के द्वारा प्राइस को वापस ऊपर उठाया जाता है लगभग ओपनिंग प्राइस के पास में। हैंगिंग मैन कैंडल के बाद अप ट्रेंड के बाद बायर में कमजोरी का संकेत मिल जाता है। यहाँ ये दिखता है कि जो बायर अब तक एक्टिव थे उनमें अब कमी आ रही है और बेचने वाले एक्टिव हो रहे हैं, सो प्राइस नीचे गिरने वाला है। अगर आपको हैंगिंग मैन कैंडल दिख जाए तो उसके तुरंत बाद ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहिए। देखें कि हैंगिंग मैन के बाद अगली कैंडल कैसा बिहेव करती है। अगर हैंगिंग मैन कैंडल के लो के नीचे अगली कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पर आप शॉर्ट यानी कि सेल पे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन के हाई के कुछ पॉइंट ऊपर रखा जाना चाहिए। हर बार हैंगिंग मैन कैंडल के बाद ट्रेंड बदलने की संभावना नहीं होती, तो अगर आप ट्रेड में एंटर होते हैं और शॉर्ट पे जाते हैं, सेल पे जाते हैं और प्राइस ऊपर जाती है, तो स्टॉप लॉस को हिट होने के बाद एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आई होप आपको इस वीडियो में हैंगिंग मैन पैटर्न समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही कॉन्टेंट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।